कहाँ गया भाई सूजा आलम को, टेंशन हो गया कि कहीं खो गया वो। ये हम लोग पास चलेगा बताओ, ये साइकिल एक दिन नहीं चलेगा हम लोग पास। टैंक टूट गया, पंचर भी हो गया, स्पोक भी टूट गया। जी अंकल पसंद है हमको? हाँ पसंद तो है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो स्वागत करता हूँ आपके एक और नई वीडियो में। तो गाइज निकल रहे हम लोग राइड करने के लिए। आज का प्लान भाई गजब है। आज थोड़ा जा रहे हैं दूर, मतलब रानीगंज साइड जा रहे हैं, और यहाँ पे आ चुका है पीयूष, सूरज का भाई, और यहाँ पे पीयूष सुजल भाई। हम भी हैंग कर रहे लग रहा है आज। ब्रेक क्यों ढीला कर रहा है आज? इसका साइकिल खराब हुआ था, मेरे साइकिल खराब करने के पीछे पड़ा हुआ है। ये अपना फैट बाइक चलाने वाला है, जिसका पता नहीं हालत होने वाला है खराब, क्योंकि काफी दूर जाने वाले हैं। तो सुजल के साइकिल में कुछ गियर वगैरह प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं बोला अपना साइकिल छोड़ दे, मेरा फैट बाइक चला लेना। तो फिलहाल बंदा आ चुका है यहाँ से बस से मेरे घर के पास। उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग में काफी ज्यादा मजा आएगा, तो वीडियो में जरूर बनी रहेगा। डैड मिलते हैं आपसे गोप्रो सेटअप पे। फिलहाल जाना है काफी दूर हाईवे पे, तो थोड़ा सा गाड़ी वाड़ी का सहारा मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। लेकिन देखते हैं भाई, मिलता है नहीं मिलता, नहीं मिलेगा तो चला के जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं राइड पे तभी जा पाएगा जब अपना गाड़ी खुद का गाड़ी होगा तब। इतना स्लो जाएंगे भाई पहुँच के पाएंगे? यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर जाना हम लोग को सीधा हाईवे से। आ जाओ, पकड़ो मत, पकड़ा पकड़ी मत करो, गिर जाएगा हाईवे पे, कोई किसी को नहीं पकड़ेगा। चलो समझता नहीं बात, हाईवे पे है ना, नॉर्मल रोड में पकड़ा पकड़ी करता तो चलता भी है। एक हैंडल फंसेगा भाई गिर जाएगा बंदा, एक नहीं गिरेगा सब का सब गिरेगा। फिलहाल इलेक्ट्रिक मोड ऑफ कर दिए, इलेक्ट्रिक मोड ऑफ करके ही चला रहे हैं, ऑफ करके ही चलाएंगे। जब ज़्यादा चढ़ाई आएगा ना तभी इसको ऑन करने की ज़रूरत, जहाँ पे होगा वहीं पर ऑन करेंगे। फिलहाल ये लोग ऑन करने देता भी नहीं मेरे को, क्योंकि ये लोग तो भाई पेट्रोल मार के चला रहा है। ऐसे भी इलेक्ट्रिक मोड पे हम पेट्रोल मार के ही चलाते हैं, लेकिन ये लोग को लगता है कि भैया कुछ ज़्यादा आराम ले रहे हैं हम। लेकिन ऐसी बात नहीं है भाई, चढ़ाई पर साइकिल बहुत ज़्यादा भारी लगती है। देखो कंटेनर कैसे बंद होता है, देखो एक बटन है, बटन दबाने के बाद देखो कैसे कितना स्पीड में बंद हो रहा है। थोड़ा थोड़ा अब लॉन्ग राइड चलाने का अब आदत सा हो चुका है हम लोगों को, लॉन्ग राइड अब साइकिल चला के चल जाते हैं हम लोग। भाई साहब पूरा टी शर्ट मेरा भीग चुका है जैकेट की वजह से, सूरज पीछे है ना, थोड़ा सा गर्मी है आज, इसलिए जैकेट को रख लेते हैं बैग में। भाई भाई साहब ये लोग तो इतना स्पीड में निकला ना सुजल और पीयूष, पता नहीं कहाँ है, दूर दूर तक मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ से रोड थोड़ा ढला हुआ है तो यहाँ से दूर तक दिखाई दे रहा है, लेकिन वो लोग नहीं दिख रहा है। सूरज पीछे चल रहा है, उसका गियर थोड़ा सा फंस रहा है, इस वजह से धीरे धीरे चल रहा है, और मैं बीच में चल रहा हूँ भाई। पेट्रोल मारने की जरूरत ही नहीं है भाई, इतना मस्त ढला हुआ है, इतना चढ़ाई चढ़ाए ना हम लोग, इतना चढ़ाई की मत पूछो, रास्ते में बहुत सारा चढ़ाई था। लेकिन सच में यार बहुत जल्दी पहुँच गए हम लोग। लेकिन अब मेरे को भी लगता है कि भाई लॉन्ग चलाने का आदत हो गया है, थोड़ा दूर दूर अब मतलब 8-9 किलोमीटर लगातार कहीं चलाना जाना समझ में नहीं आता है। दो साइकिल नीचे गया है या ऊपर गया है देखे नहीं। खैर पीयूष है साथ में, पीयूष को तो मेरा नंबर याद है, फ़ोन कर लेगा किसी का नंबर से। अरे यहाँ है, तुम लोग यहाँ पर खड़ा है, हम लोग वहाँ उधर दूर दूर देख रहे हैं। कोई भी मोड़ आए वहाँ पर रुक जाया करो, वहाँ से जाया ऐसे जगह रुका के दिखाई नहीं दे रहा है। हम वही तो सोच रहे कि जाए किधर जाए, ऊपर ब्रिज को ऊपर लास्ट तक देख रहे हो, इधर दूर तक देख रहे हैं। इतना दूर तो इधर आ गए, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा काम भी है। काम ये कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर भी एक गाड़ी है भाई, गाड़ी देख लेते हैं अभी। फिलहाल गाड़ी रिसर्च माइंड में, जब से लॉन्ग राइड कर रहे हैं ना भाई, गाड़ी दिमाग में बैठ गया मेरा, पता नहीं कब हो पाएगा सपना पूरा। भाई ये गाड़ी अच्छे कंडीशन में चला लें हम, चलाए जानते हैं, लेकिन सिस्टम बताइए चलाने जानते हैं। एक ऊपर कीजिए गियर, बाकी सब नीचे। हाँ, वो आता है। अब ब्रेक है। हाँ रिवर्स है। चलिए मॉडल है और मेरे को चाहिए था BS4। कैसा लगा गाड़ी चला के? गाड़ी ठीक है, गाड़ी नया गाड़ी है। जी अंकल पसंद है आपको? हाँ पसंद तो है, ये भी गाड़ी है ना? वो बोला भेजने के लिए बोला ही। एक तो बजाज है, ये वाला है। हाँ, ये बजाज का हो गया, वो प्याजो हो गया। भाई गाड़ी तो देख ली, गाड़ी काफी मस्त है, चला के देख लिया। BS6 वाला प्याजो जो हम चलाए ना, इधर लगा गाड़ी है, एकदम नया गाड़ी, एक किलोमीटर भी नहीं चला है।
आसनसोल 17 किलोमीटर, वाह 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 वाह। हम लोगों को पता भी नहीं चला हम 17 किलोमीटर आ गए। नहीं पता चलेगा ना, तुम लोग राइडर हो गया है। गाड़ी पे इन्वेस्टमेंट इसलिए करना चाह रहे ना भाई, ताकि हम लोग का राइड अच्छा से हो सके। भाई हम लोग तो ज़्यादा स्टंट्स वगैरह नहीं करते, हम लोग ज़्यादा राइड करने पे फोकस करने के, बढ़िया बढ़िया राइड करें, इन्जॉय करें, इन्जॉय बस इन्जॉय चाहिए अपने को, खाली एक ही स्टंट्स वगैरह हम लोग को नहीं करते रहना। मेरे को सच में इलेक्ट्रिक ऑटो ही लेने के बाद, जैसे इलेक्ट्रिक जब से साइकिल लिया ना तब से इलेक्ट्रिक चीज़ पे मेरे को भरोसा हो गया, हाँ अच्छा चीज़ होता है भाई, इसलिए मैं इलेक्ट्रिक ऑटो लेने का सोच रहा। इलेक्ट्रिक ऑटो में क्या है ना कि अपना घर पे चार्ज वार्ज भी मस्त हो जाएगा, पेट्रोल डालने का झमेला खत्म हो जाएगा एक मेरा। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे सेंट्रम, भाई लोकेशन काफ़ी मस्त है, यहाँ पे इससे पहले भी आ चुके हैं हम लोग। ठीक हो? हेलो भैया, आपका फैन है, बहुत बड़ा फैन है। थैंक यू। आप आए थे उस दिन लेकिन हम नहीं आए, हमको बुरा लगा। अच्छा। इसीलिए आप आए थे तो फिर हम चिल्ला थे। चलो आज मिल लिया ना। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं रानीगंज के सेंट्रम। भाई सेंट्रम तो वैसा सेंट्रम नहीं है, आसनसोल वाला हम लोग का सेंट्रम नहीं है, खाली खाली से जगह है। यहाँ पे स्टंट प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी बढ़िया है, और यहाँ पे बाइकर्स ग्रुप भी आए भाई, तो ये देख सकते पूरा बाइकर्स ग्रुप है। यहाँ पे अपने बंदे लोग भाई, अपने सब्सक्राइबर भाई लोग हैं, तो यहाँ पे सभी कोई मेरे को जानते हैं। एक टाइम में हम भी बाइकर होया करते थे, अब साइकिलिंग में आए गए तो मेरे को अच्छा फील होता है भाई, साइकिलिंग कम्युनिटी में है तो अच्छा लगता है। बाइकर भी तो है आपका भाई, बाइकर भी है। अब जिनको नहीं मालूम हो तो मेरे दूसरा इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, अगर बाइकिंग का वीडियोस आपको देखना है तो। तो फाइनली गाइस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट साइड। साइड बाइकिंग बड़ा अच्छा चला रहा तुम, देख के दिल खुश हो गया था वो, सही में बहुत अच्छा चला रहा था। अरे भाई हेवी ब्रेक का तार टूट गया, अभी टूटा। अरे यार वो ब्रेक है ना, वो भी नहीं है, कैसा साइकिल चलाते यार, तो ब्रेक ही नहीं रखता है। अरे चढ़ाई 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 देख के ठीक है छोड़ा दिया। गिर गया वो, यही लोग बोलते मत कर। सूरज गिराया। तो यहाँ पे यही मजार है भाई, और यही उरुस लगने वाला है अभी, तो हम लोग आएंगे फिर साइकिल से घूमने के लिए जब मेला लग जाएगा। तो यार काम चल रहे हैं यहाँ पे, बहुत दिनों बाद हम भी आ रहे इधर, मजार में काम चल रहा है। अरे सुजल को देखता क्या नहीं तू, वो भुला गया हो। हाँ सही बता रहे हैं आप, खोजते रहेगा हमको। कहाँ गया सुजल भाई? सुजल खो गया, खतरनाक सीन्स हो गया भाई, सुजल खो गया है। और ये लोग भेज रहे आगे मोड़ पे, अगर मिलेगा तो फोन करना, हम पीछे आ रहे देखने के लिए। हम लोग इधर मजार के अंदर चले गए हैं और वो सोचा कि शायद हम लोग आगे बढ़ गए हैं, अब हमको ये समझ नहीं आ रहा है वो पीछे है या आगे है। अब मेरे को मजार तक देखना पड़ेगा जाकर वापस, मिल जाए यार। उसके पास फ़ोन भी नहीं है और उसको मेरा नंबर याद भी नहीं है। पीयूष क्या है, पीयूष को मेरा नंबर याद भी होता है कि कहीं कहीं जाता है तो भाई फ़ोन कर लेता किसी के नंबर से भी कि हम यहाँ पे हैं। हम लोग इसी के अंदर गए थे, उसके बाद से सुजल नहीं मिल रहा है। मिला? नहीं मिला, इधर भी तो नहीं है। नहीं है ना। ठीक है रख रहे, हम आ रहे उधर ही, तुम उधर। कहाँ गया भाई सुजल? हमको भी टेंशन हो गया कि कहीं खो गया वो, नया जगह है, हम लोग को देखा हुआ नहीं है ना यहाँ सब कुछ। तो गाइज ये रास्ता डाट मिलता है हाईवे पे। गाइज मेरे को लग रहा है सुजल तो इधर कभी आया नहीं, उसको रास्ता मालूम नहीं है इधर का। मेरे को लग रहा है ना जिधर से हम लोग आए ना ये उधर ही चला गया हुआ। अगर उसको हाईवे मिल गया तो घर तक पहुँच जाएगा, इतना तो मालूम है, अकेले ही सही पहुँच जाएगा वो घर। तो फाइनली गए अभी जाकर के सुजल फ़ोन किया भाई, हमें भी टेंशन में आ गया था, पूरा स्पीड में जा रहे थे ढूंढने के लिए हाईवे पे। और अच्छा वह फ़ोन किया, वो क्या किया ना जिधर से हम लोग आए ना वही रास्ता में यू टर्न मार के चला गया वो। मारेंगे इतना मर तो कैसे बुलाया? आप छोड़ के भाग गए। हम छोड़ के भाग गए हैं, तो बोला नहीं हम जा रहे हैं, आप लोग घूम के चल गए। घर में फोन किया, अभी नंबर लिया, फिर हमको फोन किया ना, ये अच्छा दिमाग है। चलो भाई लोग आते हैं, ठीक है चलो। तो गए आ चुके इधर फ्लाईओवर पे, इधर मस्त लाइट वगैरह जल रहा है भाई, दोनों साइड लाइट है ना भाई, अच्छा लगता है देखने में, खूबसूरत सा एकदम भाई।
फाइनली सुजल मिल गया भाई, मैं तो उम्मीद छोड़ दिया था कि मिलेगा। इसका अलग ही साइकिल में प्रॉब्लम है, गियर शिफ्ट नहीं हो रहा था। क्या किया ना, गियर वाला जो वायर होता है ना उसको कस का पकड़ के रखा हुआ है और उसके बाद वो पैडल मार रहा था, तब जाके हाई गियर पे चल रहा है उसका साइकिल। यहाँ से फिर से अंधेरा हो जाएगा। कितना अच्छा ब्रिज लग रहा भाई, ऐसे पूरा तुम दूर दूर तक ऐसी ब्रिज रहता ना मज़ा आ जाता भाई। रात में इतना लाइट होना चाहिए हाईवे पर, गाड़ी पर अपना लाइट है लेकिन रोड पे भाई सरकार को भी जो किया ना ये इतना और करना चाहिए था, दूर दूर तक लाइट रहे हाईवे पे। तो फाइनली गाइज अभी जाके हम लोग पहुंचे हैं घर। भाई हालत खराब भी हो गया, मजा भी फुल आ गया, ये बंदा तो भाई खो भी गया था। हम भी डर गए थे, ये भी डर गया था, इमरान को छोड़ के भाग गया मेरे को तो पता नहीं कैसे कैसे सिस्टम लगाया, फिर फोन किया, लेकिन भाई मिली गया आखिरकार। मेरे को पता था कि बुलाएगा नहीं, अगर बुलाएगा भी तो सीधा घर पहुंच जाएगा, इतना तो विश्वास था मेरे को। फिलहाल पहुंच चुके घर, बहुत ही मजा है आज का राइड करके। फिलहाल सुजल आज भाई अपना साइकिल लेके नहीं आया, इसको छोड़ने जाना पड़ेगा बाइक से इसका घर, और साथ साथ अपने दो जीरो बंदे को सवर रहा है सवार लू, और दूसरा एक यहाँ पे बंदा सूरज, इसका भी हालत खराब। पिछला ब्लॉग में तो आपने लॉन्ग राइड वाले वीडियो में देखा ही होगा कि भाई सुजल का पूरा फ्रीव्हील स्लिप हो गया है और अभी भी स्लिप ही अभी पकड़ा हुआ है, तो किस तरह चल रहा है, तो इसका फ्रीव्हील वगैरह चेंज करवाने वाले हैं, गियर वगैरह भी चेंज कराने वाले हैं। कैसे हो? अरे लेट, उसका फ्रीव्हील स्लिप तुमको नहीं मालूम है? ये हम लोग पास चलेगा बताओ, ये साइकिल एक दिन नहीं चलेगा हम लोग पास, दस मिनट पहले पूछ दे, नकली भी हम बोले तोड़ देंगे एक दिन में, देगा तो एक बार पानी हॉप में चल जाएगा। ये मोंटा तो इतना गंदा नहीं था यार, इतना गंदा कैसे हो गया, हम लोग इतना धूल मिट्टी में तो चला ही नहीं है। यहाँ पर रहने से हो रहा ना ऐसे से कर रहा ना, इतना टाल बनवाते फिर पूरा टाल ठीक नहीं हो रहा इसका। तो गाइस पीयूष लाया आज अपने पुरानी धनों को भाई, देखो ऑरेंज ऑरेंज, बहुत दिनों बाद इसका काम होने जा रहा है भाई। साइकिल बहुत दिन से पड़ा हुआ था, साइकिल जंग खा रहा था, जाम जाम चल रहा है, लेकिन व्हीली अच्छा लग रहा है, लेकिन व्लॉग में भी नहीं दिखा सकते आपको, समझ सकते हो। रील्स में देखिएगा। जा 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 जा। क्या कर रहा है तो व्हीली क्यों मार रहा है, व्हीली मत मार इधर। तो गाइस ऐसा साइकिल चलाया कि भाई देखो चैन भी तोड़ लिया, या पंचर भी हो गया, स्पोक भी टूट गया। अरे यार कैसे जाएगा अभी, अभी आधा दूर है। यहाँ से कितना दूर? बहुत दूर है, अभी दूर है फिलहाल। मोन्टर पे हम कभी किसी को खड़ा होने नहीं देते भाई, बहुत लोड हम कभी देते नहीं इसको पिछले टायर पे, अब इसको मजबूरी में ले ही जाना पड़ेगा क्योंकि भाई लेट हो जाएगा फिर भाई, दो दो बंदे टालना पड़ेगा मेरे को। आज स्पेशली आए हम लोग साइकिल रिपेयर करवाने के लिए, पता नहीं कितना कितना टाइम जाएगा, सबका साइकिल रिपेयर होना है, सिर्फ मेरा साइकिल छोड़ करके। फाइनली गाइस दो घंटा तीन घंटा इंतजार करने के बाद साइकिल बन चुका है, तीन घंटा नहीं दो घंटा तो लग ही गया होगा यहाँ पे। तो फाइनली गाइस वीडियो एंड कर लेते हैं यहीं पे, उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग में आपको काफी ज्यादा मजा आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और फिलहाल गाइस अभी नॉर्मल ब्लॉग एक दो दिन आने वाला है, तो थोड़ा सा प्यारा सपोर्ट देखेगी, अभी आप लोगों के प्यारा सपोर्ट का सख्त जरूरत है, क्योंकि भाई अभी यूट्यूब की नजर में हमारा चैनल आ चुका है, तो वार्निंग वगैरह मिल रहा है। तो गाइस मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव यू ऑल, बाय।